बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा ने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानियां, छठ गीत और उनकी मधुर आवाज शायद ही किसी संगीत प्रेमी के मन से जा सकती है। संगीत को साधना बनाने वाली शारदा सिन्हा ने अपनी आखिरी सांसों तक इसे अपने साथ रखा। शारदा सिन्हा की मृत्यु के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी आवाज में कुछ गाने की कोशिश करती हुई सुनाई दे रही हैं। आवाज में वही खनक है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि संगीत की मलिका इतने कष्ट में अपनी सुरीली आवाज से गा रही है। हॉस्पिटल के बेड पर नाक में पाइप है, सांसें थमने को हैं, लेकिन संगीत की चाहत शारदा के मन से नहीं हट रही। जाते जाते उन्होंने जो अपनी आवाज दुनिया के लिए दी, वो हम सबके लिए बहुमूल्य है। बता दें कि शारदा सिन्हा जब गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे सरस्वती स्वयं उनके कंठ में विराजमान हो गई हों। जाते जाते भी वे अपने भीतर दैवीय शक्ति की मौजूदगी का एहसास कराती रहीं। छठ में उनकी मौजूदगी इसका प्रत्यक्ष संकेत है। जब तक वे जीवित रहीं, धरती को संगीत से सारोबार करती रहीं। अब वे भगवान के चरणों में पहुंच गई हैं, भगवान भी उनसे खुश होंगे। इसलिए जब तक दुनिया में छठ पर्व रहेगा, तब तक उनकी मौजूदगी का एहसास सबको होता रहेगा। वो न सिर्फ भोजपुरी समाज बल्कि पूरे संगीत जगत की अमूल्य धरोहर थी। बता दें कि शारदा का जन्म बिहार के जिला सुपौल के हुल्लास गांव में हुआ था और उनकी शादी बेगूसराय में हुई। वह गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी थी। उनकी रुचि हमेशा से गायन में रही। केंद्र सरकार ने भी उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।